Kerala, God's own country, is known for its natural beauty, cultural heritage, and warm hospitality. The state's unique combination of backwater, beaches, hills, and forests make it a must-visit destination in India. Kerala, hum logo ki travel list mein kafi time se tha. And is baar jab hum logo ne India ka plan banaya, to we made sure ki hum Kerala travel kar paye. Ye hamari Kerala ki first trip hai. And apni puri family ke saath, hum log Kerala mein 5 days spend karne wale hain. Though during this trip, hum dono thode bimar ho gaye the, so aap logo ko ye hamare face par bhi dikhega. But hopefully, we could still show you beautiful sceneries of this amazing state. So, aaiye hamare saath and Kerala ki is travel series ko enjoy kijiye. हमारी केरला की ट्रिप स्टार्ट हुई थी इंदौर से. इंदौर से कोची डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सो हैदराबाद में 2 आवर्स का स्टॉप इंक्लूड करके हमारी पूरी जर्नी 6 आवर्स की थी. रात को अराउंड 11:30 पर हम लोग कोची एयरपोर्ट लैंड किए. ये एयरपोर्ट बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल था. एंड इंटरेस्टिंगली, वर्ल्ड का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है जो ओनली सोलार पावर से ऑपरेट होता है. रात में हम लोग एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में रुक गए थे. केरला एक्सप्लोर करने के लिए टैक्सी हमने पहले से ही बुक कर ली थी, सो मॉर्निंग में हमारे ड्राइवर कम टूर गाइड भी रेडी थे हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए. टैक्सी हम लोगों ने 5 डेज के लिए की थी और उसका टोटल कॉस्ट आया था 20,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली. कोची से हमारा आज का डेस्टिनेशन था फेमस बैकवाटर्स ऑफ एलेपी, जो एयरपोर्ट से अराउंड 90 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर था. एंड अराउंड 3 आवर्स में हम लोग बोट हाउस के पिकअप पॉइंट पर आ गए थे. इस रीजन में बहुत सारी कंपनीज बोट हाउस ऑपरेट करती है एंड हमने पूरी फैमिली के लिए 3 BHK स्टाइल लग्जरी बोट बुक की थी फ्रॉम द कंपनी स्पाइस रूट्स. इनके पास अलग अलग लग्जरी बोट हाउस है एंड हमारी बोट का नाम था फेनल. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्पाइस रूट के बोट हाउसेस के बारे में कि और भी कहीं फेमस पर्सनालिटीज यहाँ पर रुकी हैं, जैसे नेदरलैंड्स के किंग एंड क्वीन जब केरला आए थे उन्होंने भी इसी कंपनी के बोट हाउस में स्टे किया था. चेक इन फॉर्मेलिटीज के बाद टाइम था बोट हाउस में एंट्री का एंड स्टाफ वेलकम्ड अस ऑन द बोट. इन नो टाइम वी स्टार्टेड टू सेल ऑन द बैक वाटर्स ऑफ केरला. चेक इन किया अराउंड 1 o'clock और 1 o'clock पे चेक इन करने का फ़ायदा क्या है, डायरेक्ट लंच और वो भी टिपिकल केरला का लंच ऑन बनाना लीव्स एंड सुपर एक्साइटेड. बनाना लीव्स आ गई, अब बाकी आइटम का इंतजार है. भूख बहुत तेज लग रही है तो जल्दी से आइटम आए और खाएं. और खाने में क्या क्या है तो सौरभ की थाली से बताते हैं. दिस इज़ पापड़, ये तो आप देखेंगे छोटू बनाना और चिप्स. दिस इज़ बीट रूट का पिकल, बीट रूट का चटनी, कैबेज और कोकोनट की सब्जी, ये भी मिक्स वेजिटेबल सब्जी, ये बीन्स और ये
यहाँ के केरला के राइस रोटी सांबर अभी लिया नहीं है, सांबर राइस के साथ लेंगे। सो बोट पे वी आर नॉट अलोन, वी आर हियर विद माय नेम इज अभी अभी माय नेम इज सुनील सुनील and we also have chef who is inside right yeah, now yeah he's some busy yeah yes but you guys are really very helpful and you are making our whole trip very comfortable so really thank you guys yeah for how long you are working on boats or something and yeah I mean 7 years okay 7 years yeah. okay and 5 years 5 years yeah and now that was another 5 yeah okay also 5s yeah This is a relatively new company, or it's a very old company? Old company. Okay. Yeah. So they will be here with us for the evening as well, and they will take us back tomorrow morning, back to check out. So, well, thank you once again. Thank you. Thanks, sir. Now I'm really sailing. हाँ, boat गलत direction में जा रहा है. सीधे जाना है. Okay. Now I can feel good. Now I can feel. लग रहा है मुझे इतनी बड़ी बोट में कलर डायरेक्शन में उसको टर्न कर दूं और गिथॉन के बाद चला रहा हूँ मैं सीधे पंबा रिवर इन केरला ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं उसको टर्न कर रहा हूँ जैसे ही बोट बैकवाटर्स में सेल करते हुए आगे जा रही थी केरला के क्वाइट एंड शीरीन लैंडस्केप को हम एंजॉय कर रहे थे बैकवाटर्स में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी सेल करते करते यू कैन लिसन टू साउंड ऑफ दीज बर्ड्स एंड दैट मेक्स द होल एनवायरनमेंट इवन मोर मैजिकल इन बैकवाटर्स के दोनों तरफ कई सारे स्मॉल विलेजेस न्यूमरस कोकोनट ट्रीज एंड पैडी फील्ड्स हैं हमने कई बार केरला के बैकवाटर्स को पिक्चर्स एंड वीडियोस में देखा एंड आज फाइनली हम लोग इस ब्यूटिफुल प्लेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे एंड वी वर सो हैप्पी कैसे लगे आपको कुछ अमेजिंग शॉट्स लेने की हमने कोशिश करी है और मेरा गला को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा गले का प्रॉब्लम चल रहा है बट अब और भी कुछ करने वाले हैं हमारी जो ये अमेजिंग शॉट्स और अमेजिंग जो ट्रिप है स्पाइस रूट बोट के साथ वो यही ख़त्म नहीं हुई है हम करने क्या वाले हैं देखते रहिए यही वीडियो लेट्स गो और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो ये स्पाइस रूट बोट है ना वो यहीं पे रात में हॉल्ट होगी यहीं पे हम मस्त डिनर भी करेंगे तो रात में आराम से सोएंगे और फिर वहाँ पर सुबह उठ के जाएंगे लेट्स गो तो ये है हमारी छोटी बोट और ये हमको पैडी फील्ड्स के बीच में से ले जाएगी स्मॉल कैनाल्स में से लेके जाएगी जस्ट लाइक वेनिस वेनिस की तरह और गिथोन कैसा लग रहा है मम्मी पापा सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है पानी के घर में रह रहे हैं पानी का घर हाउस बोट और तब से मजेदार बात है मुझे लगा नीचे कुछ बैठना होगा हम चेयर पे बैठे कैसा लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है बिल्कुल तैरता हुआ घर जिंदगी का पहला अनुभव आपको याद आई वेनिस की हाँ वेनिस की याद आई गार्डालैंड की याद आई और ऐसा लग रहा है नीदरलैंड ही फिर से एक बार नीदरलैंड में आ गए पर यहाँ थोड़ा अलग टाइप का है यहाँ नारियल के पेड़ लगे हुए हैं ग्रीननेस है और नदी भी बहुत अच्छी है और जो हाउस बोट है बहुत ही सुंदर है उसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा है तो रिकमेंड करेंगे पापा हाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि केरला एक बार सभी घूमने आए अपने पापा मम्मी को लेके अपने पापा मम्मी को जरूर लेके आए तो उसका एक अलग आनंद होता है कपल तो सभी आते हैं घूमते हैं पर अपने मम्मी पापा को लेके आते हैं और उनकी जो खुशी होती है क्योंकि वो लाइफ में कभी अचीवमेंट नहीं होता उनका तो वो जो अपने बेटों और बच्चों के साथ आते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है तो मेरे ये सुझाव है कि आप अपने मम्मी पापा और जो भी पेरेंट्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको लेके आएँ और उनको भी सुंदर और मनोरम दृश्य को दिखाएं और
घुमाए तो बहुत आनंद आएगा उनको साथ, आपको भी आनंद आएगा क्योंकि उनकी खुशी में आपकी भी खुशी रहेगी। What's your name? Sanjeev. Sanjeev, thank you for taking us to the beautiful boat ride. Let's go. Papad, bindi, gobi manjurian, paneer, fried rice, vegetable fried rice, Kerala rice, dal, raita. Okay. And here is our chef. Thank you. Thank you so much for the delicious food. Thank you, sir. Bon appetit. Good morning from God's own country, Kerala. बहुत ही magical लग रहा है. Seriously. पीछे देख रहे हैं कितने अच्छे से sky colors आ रहे हैं. Sunrise होने वाला है. मेरा की तबीयत आज भी ठीक नहीं है. Third, fourth day हो गया है viral का. तो देखते हैं सुबह वो walk करने जाती है कि नहीं जाती paddy fields पर. But I will go and I will try to show you the beautiful paddy fields of Kerala. How are you feeling, Megha? Not great. I'll not go, so you go. Paddy fields dekhne. Aur baat main ye view dekhungi yahan se baithe baithe. Sunrise hone ho chuka hai. Beautiful sunrise. Wow. Yeah. So ye view bhi bura nahi hai. Paddy fields ka bhi acha hoga. But it's not my cup of tea. Take rest today, hopefully. आज शाम तक यू फील बेटर. गुड मॉर्निंग. नींद अच्छे से आई? बोट हिली तो नहीं ज्यादा? नहीं हम लोगों का एक्चुअली एक स्पेशल ओकेज़न भी है इस बार. हम लोगों की 10th मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसके लिए मेघा ने बहुत दिन स्पेंड करके बहुत सालों से सोच रही थी और ये केरला ट्रिप प्लान किया था, मगर उसकी तबीयत सही नहीं है. सो मेरी टीम अधूरी हो गई है. यू गाइस नो कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ स्पेशली कैमरा के सामने बोलने में, मगर आज मेरे को वो करना पड़ रहा है क्योंकि मेघा की तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं है. 4 दिन उसे वो रिकवरी उसकी हो नहीं पा रही है, तो हमने बोला कि अभी तो पूरी ट्रिप चालू हुई है केरला की, इस बेटर की तो और रेस्ट करें. बट आई एम अलोन टुडे इन दिस ब्यूटिफुल पेडी फील्ड्स एंड ट्राइंग टू डू समथिंग ताकि कुछ वीडियो अच्छा बन पाए.
और नेहा को भी देखा पाऊं वापस घर जाके। केरला, also known as the rice bowl of India, is home to some of the most lush paddy fields in the world. वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए लोकल लोगों ने बताया कि कैसे ये पैडी फील्ड्स ना सिर्फ केरला के लैंडस्केप को ब्रेथटेकिंग बनाते हैं बट यहाँ के इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। ये पैडी फील्ड्स नेचुरल ड्रेनेज का काम करते हैं टू अवॉइड फ्लड्स, ये ग्राउंड वाटर को भी कंजर्व करते हैं एंड आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये पैडी फील्ड्स अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के लिए भी फेमस हैं एंड टूरिस्ट यहाँ के टूर्स में इन फील्ड्स एंड फार्मर्स की लाइफ को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दो फॉर लास्ट फ्यू डेकेड्स पैडी फील्ड्स में प्रोडक्शन कम हो रहा है एंड इट्स बीइंग डिस्कस इफ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस सम न्यू मॉडर्न वेज टू डू फार्मिंग, बट स्टिल पैडी फील्ड्स आर द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ Kerala's natural landscape. So I flew my drone once again. मैंने सोचा यार कि कुछ अलग व्यू नहीं आएंगे, पैडी फील्ड तो है ग्रीन ग्रीन, तो क्यों उड़ाऊँ, शायद अच्छा नहीं लगे। मगर इतना अच्छा वेदर है, बिल्कुल भी विंड नहीं चल रही है, परफेक्ट फॉर ड्रोन फ्लाइंग। तो मैं लेट्स ट्राई, और आई वॉज अगर मैंने ये ड्रोन नहीं फ्लाई किया होता तो बहुत बड़ी गलती हो गई होती। इतना अमेजिंग सनराइज हो रहा था पीछे, लेक रिवर पंबा रिवर एंड पैडी फील्ड्स, यू वुड हैव सीन। आई होप अच्छा आया हो वैसा आउटपुट एंड आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो। सब लोग चले गए आगे क्योंकि मैंने कम से कम 20-25 मिनट उड़ाया ड्रोन, उसकी पूरी बैटरी ड्रेन कर दी एंड सी द सनराइज एंड नाउ आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द पैडी फील्ड and then we'll go, we will have breakfast. Hopefully मेघा अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हो, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसको एक डोज दवाई का दे देंगे एंड देन वी विल बी रेडी टू चेक आउट फॉर अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आपको देते हैं अब बोट टूर, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझको, और पापा मम्मी सब लोग खा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट, और यही हमारा डाइनिंग एरिया था, यहाँ काउचेस हमारे बैग रखे, यही लिविंग एरिया भी था, और ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर एवरीथिंग वाज ऑसम। ब्रेकफास्ट में उपमा और ब्रेड और पाइनएप्पल जूस और फ्रूट सैलेड, और अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली में रूम कैसा है, और स्पीकर्स भी थे अगर आपको सॉन्ग सुनना है बैठ के तरह आपसे सॉन्ग सुन सकते हैं। इस बोट के अंदर है, इस बोट का नाम है फेनल, मैंने पहले भी बताया है शायद, और इसमें है तीन रूम, हम लोग तीन लोग थे, और भी ऐसे इससे भी बड़े बोट से आपकी जितनी बड़ी फैमिली है जितनी छोटी फैमिली है उसके हिसाब से आप बोट ले सकते हैं। और आपको दिखाते हैं एक रूम दिखाते हैं आपको, लेट्स गो इन। ये जो बोट है ये है स्पाइस रूम बोट फेडल एंड दिस इज द रूम, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, लाइक वो ऑथेंटिक फीलिंग आ रहा है इंडिया का, पूरे ये बेड्स के साथ नाइसली डेकोरेटेड, और मुझे यहाँ पे ये लैंप्स भी बहुत अच्छे लगे दिस साइड। हे द सिक सिक मी, सब कुछ ना इस ट्रिप में थोड़ा ऐसा ऐसे ही हो रहा है, अभी माइक भी नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा चलो बोल ही देते हैं, नहीं तो पता चला हम डेस्टिनेशन पे ही पहुंच गए। अब माइक चल रहा है तो आवाज़ और अच्छे से आ रही होगी, तो मैं बता रही थी यहाँ से व्यू, इतना ऑसम व्यू आता है ना यहाँ से। और सबसे मज़ेदार बात क्या है इस बोट पे, यू हैव अ टॉयलेट एरिया, यू हैव अ शावर एरिया, तो आप यहाँ पे आराम से शावर ले सकते हैं, तो दिस इज या so this is a toilet and shower area which is so nice, और ये bag। तो अब चलते हैं हम लोग breakfast करते हैं, और आपको अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा hived है, हो सकता है hived है, but कुछ चीज़ें once in a lifetime के लिए करती है ना experience, वैसे ही ये है, boat में आप रह रहे हैं और boat चल रही है, हर जगह ऐसा experience नहीं मिलता है, कुछ ही जगह ऐसा मिलता है। so now let's go and have breakfast, let's go।
हमारी बोट टूर केरला की खत्म होती है और कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी थी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर आरामदायक, बहुत ही सुंदर बोट टूर, पहली बार ऐसे अपनी जिंदगी में बैठे। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, बट अगर वो देखना है तो देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। बट इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।